आज हम देखेंगे मैंगो मूज की रेसिपी। मैंगो मूज आपको पसंद आएगा और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए रेसिपी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहले हम लेंगे कटा हुआ आम, इसे मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। फिर लेंगे 100 ml व्हिपिंग क्रीम और इसे स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप करना है। व्हिप होने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। अब एक पैन में हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। फिर उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, मिक्स करेंगे। और इसमें से आधी क्वांटिटी हम निकालकर साइड में रखेंगे और बचे हुए प्यूरी में 2 बड़े चम्मच पानी डालकर उसे मिक्स करेंगे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग ली है, उसके अंदर स्टार नोजल डालेंगे और उसमें पाइप करेंगे व्हिपिंग क्रीम। अब बचे हुए व्हिपिंग क्रीम में हम मैंगो प्यूरी जो साइड में निकाल कर रखी थी उसे डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसे भी दूसरे पाइपिंग बैग में पाइप करना है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पाइपिंग बैग मैंने रेडी की है। अब यहाँ मैंने 4 छोटे ग्लासेस लिए हैं, इसमें हम जो येलो वाली व्हिपिंग क्रीम है उसे पाइप करेंगे और ऊपर से जो मैंगो ग्लेज हमने बनाया था उसे स्प्रेड करेंगे। वापस व्हाइट वाली व्हिपिंग क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेशन करना है और चेरी से गार्निश करेंगे। मैंगो मूस बनकर तैयार है।